नमस्कार आदाब, इंडिया नज़र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब थाना झिंझाना प्रभारी अधिकारी ओपी चौधरी शामली चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने पर उसमें देखा गया कि 1000 पेटी शराब की, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है, हरियाणा से शामली होते हुए ये लखनऊ के लिए जा रही थी। एसपी साहब मौजूद हैं। एसपी साहब, क्या बताना चाहेंगे सर आप इस बारे में? शामली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें हमने तकरीबन 50 लाख रुपए कीमत का 10,000 लीटर अवैध शराब बरामद किया है और 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इसमें थाना झिंझाना के प्रभारी निरीक्षक श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कल देर शाम की गई, जिसमें पंजाब की तरफ से हरियाणा होते हुए एक बड़ा ट्रक आ रहा था, जिनको रोका गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त हैं, ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, मोहाली के। इससे जो बरामद हुआ है वो तकरीबन 1000 पेटी शराब है, जिसमें पंजाब में स्थित मोहाली जनपद में डिस्टिलरी में ये बना हुआ इस पर अंकित किया गया है, लेकिन इसके ढक्कनों पर, इसके बॉडी पे कुछ इस तरह का अंकन नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से अवैध शराब है और ये संभवतः आगामी चुनाव में खपाने के लिए लखनऊ ले जाई जा रही थी।